अम्मी इस टाइम कहाँ जा रही हैं? चलो इनको सरप्राइज देते हैं। चलो चलें। गुड मॉर्निंग आसमान टी। गुड मॉर्निंग बेटी, कुछ खाओगी? तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मैं मीरान को ढूंढ रही थी। आपने देखा उसे? हाँ, थोड़ी देर पहले ऊपर जाते देखा उसे। हो सकता है चला गया हो। ठीक है। रेयान, इधर आओ, जरा बैठो। जानती हूँ मीरान के दिल की आग तुम्हें भी जलाती है, तुम्हें भी तकलीफ होती होगी, लेकिन सब्र करना तुम। इस नफरत के बावजूद तुम दोनों का प्यार बढ़ जाता है। सबने बुरा चाहा, लेकिन बेटा तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना। ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैंने दिल तोड़ दिया उसका। इंसान दिल भी उसी का तोड़ता है जिससे प्यार करता है। थोड़ा सा सब्र, मेरान तुम्हें समझ जाएगा। देखना, तुम दोनों का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। इंशाल्लाह। मैं रेयान, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अम्मी, अम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? अम्मी, मुझे अपनी बेटी से मिलना है अजीजा अस्लान बे। तो उसमें चीखने वाली क्या बात है जहरा? तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। अब वो जमाने नहीं रहे। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू के तौर पे कबूल कर लिया है। जबकि तुम्हारा शौहर हमारा अब भी दुश्मन है, मगर तुम्हारी तरह मैं भी आखिर एक माँ ही हूँ, तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम अपनी बेटी से जब चाहो मिलने आ सकती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी दादी कैसे वेलकम कर रही है। मतलब कि आज के बाद दुश्मनों के घर से बहुत लोग यहाँ आया करेंगे। इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला मैं ही करूँगी सुल्ताना। जब तुम्हारा अपना घर हो जाए तो फिर तुम करना इस बात का फैसला। माँ है उसकी, मिलने तो आएंगी। चले अम्मी, हम लोग अंदर चलते हैं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। अम्मी, सब खैरियत है ना घर पर? रेयान, क्या थोड़ी देर बात हो सकती है तुमसे? तुम भी साथ चलो मीरान, मैं चाहती हूँ जो भी बात हो तुम्हारे सामने हो। ठीक है जहरा खानम, आप आइए अंदर बात करते हैं। तुम अब यहाँ कौन सी खबर लेकर आई हो जहरा?